भाई मुख्यमंत्री जी कहते क्या हैं करते क्या हैं, ये उनकी सोच और उनकी कार्यशैली में हमेशा से हम लोगों को एक मतभेद देखने को मिला है। पहली बात EWS को लेकर हम लोग शुरू से हम लोग कहते रहे थे कि भैया जो आर्थिक तौर पर ऐसे लोग जो कि स्वर्ण समाज से आते हैं पर आर्थिक तौर पर सक्षम नहीं है, उन लोग मजबूती से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने समर्थन किया था। हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जो, बल्कि मुझे लगता है कि हम लोग की पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी थी जो आज से नहीं लंबे समय से इसकी मांग करती आई है, और हम लोगों ने इस बात को भी संदेह हम लोगों ने हमेशा जाहिर किया था कि कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के मामले में इस विषय को उलझाया जाएगा, नौवीं सूची में इस विषय को डालने की मांग हम लोगों ने पहले भी की थी, हम लोग आज भी करते हैं कि भविष्य में भी कहीं कोई इसके ऊपर इसको लेकर आगे पीछे कोर्ट कचहरी में इस मामले को करने का प्रयास ना करें। जहां तक रही बात मुख्यमंत्री जी की, तो भैया आपके पास तो आपका राज्य है, आप करके दिखाइए जो आप सोचते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से यह भी मांग की है कि केंद्रीय स्तर पर जातीय जनगणना भी होनी चाहिए। तो भाई ये मांग तो पहले भी उन्होंने की थी, गए थे वो प्रधानमंत्री जी से मिलने, आप बिहार में तो करवाइए मुख्यमंत्री जी जहाँ पे आपकी सरकार है। अगर आप इतना ही आप इस विषय को अगर आप मानते हैं तो इसमें सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी मत कीजिए, बिहार में आप करके दिखाइए ना पहले, हम लोग समर्थन करेंगे। और मुकामा में एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल की जीत हुई है, और ऐसे में महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि अगर चिराग पासवान ना होते तो इतना वोट भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं आता। अब ये तो पता नहीं कि भैया NDA को अगर हम होते तो इतना वोट आता नहीं आता, पर मुझे ये बताए ना कि क्या महागठबंधन को सही मायनों में पूरा वोट मिला। भाई 2020 में भी जब मोकामा में जब चुनाव हुए थे तो उस वक्त भी तो अनंत सिंह जी को इतना ही वोट आया था, नीतीश कुमार जी का वोट गया कहाँ, बताए ना नीतीश कुमार जी। पिछली बार जब मोकामा में ये लड़े थे 2020 में तो उस वक्त इनको और भाजपा को मिला के 40,000 के करीब वोट आया था। तो भाई वो 40,000 वोट तो प्लस होना, चलिए मान लीजिए उसमें भाजपा का भी वोट था, 20,000 वोट प्लस होता इनका। पर पिछली बार 2020 में 78,000 वोट आया, इस बार 79,000 वोट आया, मात्र 1,000 वोट से ज़्यादा भी इनका वोट नहीं बढ़ा। तो भाई गया कहाँ नीतीश कुमार जी का वोट। तो ये अपने में दर्शाता है कि आज की तारीख में कम से कम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब कोई फैक्टर रहे नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से अपना जनाधार खो चुके हैं, और ये दोनों जगह चुनाव में दिखा। भाई महागठबंधन की ये जीत नहीं है, ये मुकामा वाली ये पूरी तरीके से व्यक्तिगत तौर पर अनंत सिंह जी की अपनी जीत है, उनका एक अपना प्रभाव उस क्षेत्र में रहा है। भैया वो अकेले भी लड़ लड़ के जीतते रहे वहाँ से, तो उनका एक अपना प्रभाव रहा है। जहाँ पे इनको प्रभाव दिखाना था गोपालगंज में, वहाँ पे इनकी हार हुई है। कुर्नी में भी उपचुनाव होने वाले हैं, वहाँ पर के आपकी पार्टी फिर से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेगी या कुछ कैंडिडेट उतारेंगे? भाई वहाँ पे भी हम लोग का समर्थन रहेगा NDA को पूरी तरीके से।